गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए। तो जैसा कि मैं निशु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बने रहें ब्लॉग पे। और आज थोड़ा मौसम ख़राब है, तो आज शायद कहीं जाने का तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 9:30 और अभी बारिश हो रही है। खैर, होने को तो अभी हुई थी, मतलब बंद हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है, जाने का तो कहीं मुश्किल ही लग रहा है। और आगे का ब्लॉग देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। तो ये देखो फ्रेंड, बारिश इतनी हो रही है और पापा गाय ले जा रहे हैं, और तो पापा जा रहे हैं गाय हकाने जंगल में, और गाय छोड़ आएंगे फिर आ जाएंगे घर को। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ही घना घोर, इधर को बादल लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कितना। पिठानी जी आंगनबाड़ी की टीचर हैं और एक कद्दू लेके जा रही है। कहाँ? अपने कालघाट। हाय तो बोल दो। हाय, कैसे हो? बढ़िया। तो फ्रेंड, हमारी आंगनबाड़ी की मैडम आई हुई थी और वो चले गई हैं, तो कद्दू लेके जा रही हैं। मिल लिया, आपने भी देख लिया। तो हम आज बारिश हो रही, कहीं नहीं जा पाए, तो दिखाते हैं आपको अपने यहाँ की प्रकृति। देखो कितना सुंदर इसको भूख लग गई, इसकी मम्मी गई है जंगल। ये है गोभी का खेत है नीचे, और ये देख सकते हैं इसमें पपीते कितने लगे हैं, और अमरूद का पेड़। इससे पहली वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको। और ये है हल्दी, अदरक वगैरह। तो ये देखो, इस साइड मेरा घर है और उस साइड मेरा मायका है। बहुत ही सुंदर नज़ारा हमारी प्रकृति का, बहुत ब्यूटीफुल। देखो मेरा भाई आ रखा है, आईटीआई करता है, मतलब फाइनल वहाँ से कॉलेज कर रहा है, वेताल घाट से कमरा लिया हुआ है, अभी फ़िलहाल मेरे पास आया हुआ है। देखो कैसे सोया है, सुबह से इसकी नींद बुरी नहीं हो रखी, कितना गंदा आदमी सोया है अभी। सो हेलो, हम आ गए हैं फिर से, क्योंकि आज हमारा कहीं जाना तो हुआ नहीं। वैसे मम्मी बोल रही थी मेरे से घास काट के लाया करके, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, गीला हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यार गीले में काटते भी कैसे, क्योंकि गाय हमारी बाहर गई हैं, अगर भैंस वगैरह बदी होती घर पे तो जाना पड़ता, तो हम गए नहीं, क्योंकि अब हमारा है नहीं कुछ, गाय आए गए हैं और बकरी मम्मी चढ़ा के ला गई है। तो अब मैं बनाती हूँ दिन का खाना, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और सब्जी तैयार कर रही हूँ। आज बनाते हैं क्या, पता नहीं क्या बनाते हैं, लेकिन सोचती हूँ फिर बनाती हूँ। तो फ्रेंड, खाना मैंने बना लिया है, और अभी भी देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। पापा आ रही नीचे से, और वो बोलेंगे तुम्हारा काम क्या है फ़ोन पे लगने का, तो आप लोग देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुली पापा जी अमरूद खा रहे हैं। देख रहे हैं, बोलेंगे फोन पे लगी हुई है। फ्रेंड देखो, अचानक से मौसम फिर बिगड़ने लग गया है, और देख सकते हैं आप लोग कोहरा ही कोहरा टाइप में आ रहा है, और शायद बारिश भी लग रही है, छींटे जैसे आ रहे हैं बारिश के। तो देखो कैसा लग रहा है, माय गॉड, घबूती अम्मा आ गई। ये हमारे घर के पास में एक नीचे से है पपीता का पेड़, और एक ये है देखो आप लोग, और ये हमारी कद्दू की बेल है देखो, जो वहाँ से वो नीचे पेड़ की जड़ से यहाँ से लेके वो ऊपर तक। देखो बारिश अभी भी लग रही है बहुत तेज, और हम खाते हैं खाना, दिन का बज गया 2:30। तो और इसको देखो, मैं तो इससे परेशान हूँ यार, वो उस कमरे से मैं आके इसमें लेट गया, और देखो अभी उठ गया, अरे उठ नहीं रहा है, मेरा बिस्तर खराब कर रहा है। हाँ उठ जा रहे है, देखो कोई दिखेगा ये जैसा, ये सोने का तरीका देखो इसका। ये है अंदर घुस गई, इधर ये देखो, ये देखो आज कहीं जाने का तो हुआ नहीं, आज हो गई बहुत बारिश।
वो जा रहा है हलसी सामान लेने। पापा ने मंगाए हैं टमाटर वगैरह, दिख रहा है ना छोटा सा, दिख रहा है कीड़ा जैसा, तो देख सकते हैं आज का मौसम। इसके छुपने का तरीका देखो। मौसम देखो बड़ा ही खतरनाक हो रहा है, मैं तो खुश हूँ आज कहीं नहीं जा पाई। सो देखो क्या मौसम हो रहा है, लेकिन हमारी गाय पेट भर के आ गई। कमेंट में जरूर बताना कौन अच्छा लग रहा है, ये गंजा अच्छा लग रहा है या गंजी अच्छी लग रही है। मैं दोस्त मेरे बाल हैं, गंजी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं 9 और हमने खाना खा लिया है, और आज ठंड बहुत हो रही है, बहुत क्या हो ही रही है, तो मैंने आज रजाई निकाल ली है। और इस ब्लॉग को अब यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया सुबह से, क्योंकि आज कहीं जा नहीं पाए और बारिश भी हो रही थी। अब पता नहीं कल का मौसम कैसा होता है, तो कल तक करते हैं इंतज़ार, तो देखें कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। और तब तक के लिए रेस्ट करें अभी, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल गाइज़।